करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कवि रहीम ने इस दोहे के माध्यम से अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डाला है कि अभ्यास करने से हम कोई भी कठिन कार्य को सरल कर सकते हैं। जिस प्रकार अभ्यास करते करते जो जड़ बुद्धि लोग होते हैं, मूढ़ बुद्धि के, वह भी सज्जन और ज्ञानी हो जाते हैं। जिस प्रकार पत्थर के बने हुए कुएं के ऊपर जब लगातार रस्सी से घर्षण होता है तो वह रस्सी भी अपना जगह बना लेती है, अर्थात घर्षण का चिन्ह उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार कोई भी कठिन कार्य हम अपने परिश्रम से आसानी से कर सकते हैं। विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने विद्या के महत्व पर प्रकाश डाला है कि बिना परिश्रम किए हम विद्या को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज तक कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जो बिना परिश्रम के विद्या को प्राप्त कर सकता है। यह उसी प्रकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार पंखा अर्थात हवा को प्राप्त करने के लिए बिना पंखा को डुलाए हमें वह नहीं मिल सकता है। उसी प्रकार बिना परिश्रम किए विद्या की प्राप्ति भी अत्यंत कठिन होती है। इसके लिए हमें गहन परिश्रम की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है, एकाग्रचित बने रहने की आवश्यकता होती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि रहीम ने वाणी के महत्व पर प्रकाश डाला है कि वाणी हमेशा हमें सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। वाणी हमें ऐसा बोलना चाहिए कि कभी भी हमारे मन का आपा, हमारे मन का विश्वास कभी भी समाप्त न हो, कभी उसमें गुस्सा प्रकट न हो। वाणी ऐसी होनी चाहिए जो औरन को शीतल करे, औरन दूसरे को भी शीतलता प्रदान करे, शीतलता अर्थात ठंडक प्रदान करे, और वाणी को बोलने के बाद अपने मन में भी शीतलता होनी चाहिए। कुछ ऐसी वाणी हम न बोल लें जिसके बाद औरों को तो वह परेशान करे ही, साथ ही खुद को भी समस्या में डाल दे और हमें सोचने पर मजबूर कर दे। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने पढ़ाई के महत्व पर प्रकाश डाला है कि हम कितना भी पोथी पढ़ लें, अर्थात दिखावे की पढ़ाई हम कितना भी कर लें, कभी भी दिखावे की पढ़ाई और पोथी को पढ़कर कोई भी पंडित नहीं हो सकता है। पंडित बनने के लिए अर्थात पंडित का अर्थ है ज्ञानी होना। ज्ञानी हम तभी हो सकते हैं जब प्रेम के पाठ को पढ़ेंगे, और यह प्रेम दूसरों से करना हम सीखें, स्नेह करना सीखें, और यह प्रेम ढाई अक्षर का बना हुआ है। जो व्यक्ति इस ढाई अक्षर के प्रेम स्नेह के महत्व को समझ जाता है, वास्तव में इस संसार में वही पंडित माना जाता है। इसलिए स्नेह के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि रहीम ने समय के महत्व को समझाया है। समय के महत्व को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि जो काम हमें कल करना चाहिए उसे आज ही करने की कोशिश करनी चाहिए। जो काम आज करना है उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पल में प्रलय होगी। प्रलय कभी भी हो सकता है, समस्याएं आपके जीवन में कभी भी आ सकती हैं, और समस्याओं से घिरने के बाद आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने कार्य को यथाशीघ्र संपन्न करने की हमें चेष्टा
करने चाहिए। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा दीप स्टडी, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य वीडियोज़ भी उपलब्ध हों।